ट्वेल्थ क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बच्चे कल हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए किया था इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट, तो वहाँ सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट रिलेशन आया था, इसी की ज़रूरत आज हमें पड़ेगी। कंसिडर टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज ए एंड बी। हमने दो पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज कंसिडर की जो इनफाइनाइट है, ए एंड बी, और सिग्मा वन सिग्मा टू बी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो दो प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं पैरेलल, इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, बट द सरफेस चार्ज डेंसिटी आर डिफरेंट। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू है, लेकिन है दोनों पॉजिटिव। ठीक है, एंड सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, और हमने ये माना हुआ है कि इस पर जो चार्ज की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू। तो लेट इज असाइन पॉजिटिव साइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नेगेटिव साइन टू द राइट टू लेफ्ट। बच्चे ध्यान रखना कि जो हम लेफ्ट टू राइट लेंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, जो राइट टू लेफ्ट है वो नेगेटिव साइन के साथ। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ये कन्वेंशन हमें लेकर चलनी होगी, ये डायरेक्शंस की फॉर्म में लेंगे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये पॉजिटिव सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसे डायरेक्शन के साथ लेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। ये दोनों प्लेट्स आपको पैरेलल दिखाई दे रही हैं थिन प्लेट्स दोनों। ठीक है, अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इम्पैक्ट इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड भी निकलेंगी और इस साइड भी निकलेंगी, आउटवर्ड निकलती है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इस साइड भी और इस साइड भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसकी वजह से जो ईवन है वो इस साइड भी है और इस साइड भी है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ईवन इस साइड और इस साइड ईवन दिखाई दे रहा है, यानी कि इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ईवन, वो इस साइड भी निकलेंगी, इस साइड निकलेंगी, इसका मतलब बीच में भी इस साइड होगा, इसमें इस साइड होगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो सेकंड प्लेट है इसकी वजह से ई टू है, ई टू इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। तो देखो ई टू इस साइड भी है और इस साइड और इस साइड है ना ई टू। तो तीनों रीजन्स में हमने दिखा दिया कि ईवन ई टू कैसे कैसे है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया दोबारा एक बार आप इसको रिज्यूम करके देख लें वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपने देखना है E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है फर्स्ट रीजन में। ठीक है, तो ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है ना, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, इसलिए E1 E2 अगर आप देखें तो दोनों हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा इस सेकेंड रीजन में अगर आप देखें, सेकेंड रीजन में E1 तो है लेफ्ट टू राइट और E2 क्या है, राइट टू लेफ्ट, और इसमें E1 E2 दोनों राइट डायरेक्शन में है। तो यानी कि थर्ड रीजन में E1 E2 पॉजिटिव लेंगे, सेकेंड रीजन में E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव लेंगे, फर्स्ट रीजन में E1 और E2 दोनों नेगेटिव लेंगे। तो देखिए इन रीजन फर्स्ट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इन रीजन फर्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई फर्स्ट, यहाँ ई फर्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना ईवन नहीं है, ई फर्स्ट, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ईवन प्लस ई टू। अब ईवन कैसे, मैंने आपको बताया ईवन ई टू दोनों राइट टू लेफ्ट ले रखा, राइट टू लेफ्ट हमने कन्वेंशन क्या ले रखी है बच्चे, नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आपको पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट आया था, तो फर्स्ट प्लेट के लिए सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन विद नेगेटिव साइन प्लस। अब ई टू भी नेगेटिव है क्योंकि राइट टू लेफ्ट ये भी डायरेक्शन है, तो सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव। अब इसे सॉल्व करेंगे टू एप्सिलॉन नॉट एलसीएम सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब सेकेंड रीजन में ईवन जो है लेफ्ट टू राइट, ई टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ईवन माइनस ई टू होगा, तो ईवन माइनस ई टू सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लो,
सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अंदर आ जाएगा। थर्ड रीजन में देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन्हें भी पॉजिटिव करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ लेफ्ट टू राइट होने की वजह से दोनों पॉजिटिव ही रहेंगी वैल्यूज। तो सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। नाउ स्पेशल केस, बच्चे की डेरिवेशन कई बार और भी तरीके से आ जाता है। यहाँ हमने दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव ले रखी है, बट सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, है ना। अगर मान लीजिए ये जो आपके पास शीट दिखाई दे रही है इस पे पॉजिटिव साइन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये प्लस सिग्मा होगा, ये क्या होगा माइनस सिग्मा, सिग्मा वन सिग्मा टू नहीं, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है मैग्नीट्यूड में, बट नेचर अपोजिट है। तो इस पे प्लस अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा माना जाएगा। उस केस में क्या रिजल्ट आएगा, इफ सिग्मा वन सिग्मा और सिग्मा टू माइनस सिग्मा हो, तो आप ये तीनों रीजन में जो वैल्यूज सिग्मा वन सिग्मा टू दे रखे हैं वहाँ पे ये वैल्यूज रिप्लेस कर दो एंड यू गेट द रिजल्ट। तो ई वन जीरो आ जाएगा, ई थर्ड जीरो आ जाएगा, ई टू जो है सिग्मा वन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये हमने एक्सप्रेशन कंप्लीट करे, बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे ढंग से रिवाइज करें और नोट करके रख के बाकी नेक्स्ट टाइम।